गाइस, क्या हाल चाल? और सब ठीक ठाक? तो यार सुबह से बहुत सोच रहा था कि यार चलो एक नया इंट्रो बनाया जाए। तो यार चलो यार, आपको एक नया इंट्रो मिलेगा, देखिएगा। चलिए तो यार चलते यार अपने न्यूज पर। बच्चों और बूढ़ों को प्रणाम। चलिए अपने तो यार पहली खबर है यार रेडमी जी की। यार न्यू गेमिंग फ़ोन लीक हुई है। मैंने आपको बताया था कि रेडमी जी की न्यू फ़ोन लीक हुई थी, तो फोटो मैंने दिखाया था, स्पेसिफिक कुछ नहीं थी। तो यार बताया था यार इसकी नाम रखी गई है रेडमी 6R। तो स्पीसीज के बारे में तो पूरा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि स्पीसीज भी नहीं बताई गई है। तो सिर्फ बता सकता हूँ यार कि एक एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ कि यार 64 मेगापिक्सल की कैमरा होगी उसमें, बस ये बता सकता हूँ। फिर भाई अगली खबर है भाई सैमसंग से। सैमसंग गलेक्सी S21 और S20 Ultra से थोड़ा कंपेरिजन कराया गया है। कंपेरिजन ये है कि भाई जैसे जो प्राइस की यार कॉस्टिंग की प्राइस रहती है कि हाँ भाई, मतलब S20 Ultra मतलब महंगी हो गई और S21 Ultra मतलब एक बनावटी भाई 7% लेस देन मतलब प्राइस रखी गई S21 Ultra की। मतलब भाई अपनी कंट्री के हिसाब से नहीं, मतलब डॉलर के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, वो कंपनी वाले जाने, हमको क्या है, अपने को टेक्निकल न्यूज़ सुनना है। चलिए फिर भाई अगली खबर है यार एसर से। एसर नेट्रो XV25 भाई सीरियल नंबर है, XV25 2QF गेमिंग मॉनिटर है यार, आने वाली है। तो यार बता देता है स्पीसीज की। तो स्पीसीज है भाई 390Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ है। मतलब डिस्प्ले रेट होगी समथिंग भाई, बाद में बताऊँगा, लगभग 200 समथिंग होगी भाई, इतना नहीं कर सकता भाई। तो फिर अगली खबर है भाई अब रेडमी K40 सीरीज से। रेडमी K40 की यार अभी आई है यार नई कलर ये दिखाई गई है भाई, कोई इंक फेदर कलर है। तो यही कलर अवेलेबल है यार, अभी तो इंडिया में नहीं आई है इस कलर को, तो अभी चाइना में ये दिखी है। तो अगली फिर यार बात करेंगे यार अगली खबर की। यार अगली खबर यार शाओमी से। शाओमी यार लॉन्च कर दी है यार मीजिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो मैंने कल कहा था कि 4 दरवाजा वाला रेफ्रिजरेटर है ना, तो आज भाई 2 दरवाजे वाला है, तो उसमें भी सुन लीजिए। तो उसकी यार स्पीसीज भी बता देता हूँ यार, 185 लीटर की कैपेसिटी के साथ है और यार प्राइस $200 बताई गई है। मतलब बात करूँगा यार 14,000 रुपये, हाँ 14,000 रुपये सही है यार। तब भी यार एक बात कहूँगा यार, मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं। तो भाई वो मतलब डॉलर के हिसाब से इस बात से नहीं सोचेंगे, तो ठीक है यार। फिर भी अगली खबर है भाई अब बता देता है यार रेडमैजिक मोबाइल की बात करूँगा। तो यार रेडमैजिक की यार कोई सिस्टम लीक हुई है, मतलब यार बताया गया एक्सपेंसिव डॉक। मतलब बताता हूँ यार, जैसे मान लो कोई आप चार्जर केबल है, जस्ट टाइप में वो चार्जर केबल है, तो जैसे वो गेमिंग के लिए है, मतलब एक लोगो आप देखिएगा, मतलब फ़ोटो देखिएगा, फ़ोटो में देखिएगा टेंसेंट और समथिंग गेमर्स कंपनी है। तो जो बताया गया है कि जैसे मान लो कोई USB केबल है, आप जो चीज़ चार्जर लगाते हो, जो चार्जर से अटैच होके वो ऑक्स केबल निकला, उसमें चार्जर निकला है, 2 चार्जर निकला है, समथिंग ऐसे ही है। तो वही दिखाया गया है भाई रेडमैजिक की डॉक ऐसे दिखाई गई है। फिर वही यार बता देता हूँ यार जब कब निकलेगी भाई, 6 मई को चाइना में निकलेंगे यार। 6 मई को तो बहुत चीज़ चाइना में निकलेगा यार, ओप्पो का इवेंट है समथिंग और रियलमी का भी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर भाई अगली खबर है यार सैमसंग से। सैमसंग यार सोल्ड कर दी है 10,000 यूनिट भाई, और वो भी किसकी, QLED TV थी प्रीमियम 2021 की QLED TV, बट यहाँ नहीं हुई है ये चीज़। शायद ग्लोबली हुई थी, नहीं हुई है, बट यार इंडिया में तो ये दिखाई नहीं गई है। तो 10,000 यूनिट बिक गई है, तो यार बात ही नहीं चाहिए QLED TV की यार, सिर्फ 2 महीने में सिर्फ 10,000 यूनिट, ठीक है यार ये भी सही है। फिर अगली खबर है भाई फिर से सैमसंग से। सैमसंग गलेक्सी बुक गो ऐसे नाम भाई है, तो यार LTE वर्जन में आ गई है। स्पीसीज भाई कुछ बताई नहीं गई है, तो
यार लॉन्च होगी जल्द ही। वैसे भी भाई वो कल तो लॉन्च ही होगी शायद। हाँ कल ही लॉन्च होगी। तो यार कल तो यार अनपैक्ड इवेंट बताया गया है यार। अनपैक्ड मैंने बहुत दिन पहले से बता दिया था कि अनपैक्ड इवेंट आने वाली है, लॉन्च होगी। तो ठीक है फिर वही अगली खबर है यार। फिर अगली खबर है भाई यार वावे से। वावे का राउटर H6 रनिंग समथिंग ऐसे नाम लिया गया है। तो यार हारमोनी OS प्रोसेसर के साथ है। तो यार भाई एक प्रेशर तो कुछ नहीं लग सकता भाई। तो यार इसका प्री सेल स्टार्ट हो गया यार चाइना में। तो भाई ये चाइना खबर है, इसको मटाते हैं ज़िंदगी से इसको। तो अगली खबर है भाई न्यूबिया से। तो न्यूबिया का पता है वो, न्यूबिया के रेड मैजिक फ़ोन आती है समथिंग ऐसे फ़ोन आती है। तो न्यूबिया की यार न्यू कमिंग फ़ोन दिखाई गई है, न्यूबिया Z सीरीज। तो फोटो लीक हुई है, अभी तो बताया नहीं क्या है कि हाँ कब लॉन्च होगी, कुछ होगी पता नहीं चल रहा है। फिर भी बात करूंगा यार अब मोटो से, मोटरोला यार मोटरोला से। तो यार मोटरोला की 4 नई फ़ोन आने वाली है, मोटरोला एज। तो अभी सिर्फ वर्क हुई है, अभी कुछ बताया नहीं गया है। बट जो उसका एक फ़ोन अभी बताया गया है, कुछ यार रिपोर्ट से आया है कि 108 मेगापिक्सल की एक कैमरा के साथ एक फ़ोन आने वाली है। बट ये भी बस ये पता चल रहा है। फिर वही यार बात करूँगा अब अगली खबर की। अगली खबर भाई नोकिया से है। नोकिया 2.4 की यार डिवाइस की भाई अब आ गई है एंड्रॉयड 11 अपडेट। हमको यार नोकिया भरोसा उठ गया है, हमको नोकिया की बात नहीं करना है बाहर में जाओ। फिर अगली खबर है भाई अब आईफोन से। आईफोन की यार अपडेट आ गई है iOS 14.5। बट बताए तो यार चौंकने की बात नहीं है कि हाँ कि आईफोन का अपडेट आया है, उसमें खबर सुनो तो अच्छा लगेगा। खबर ये है यार कि जैसे मान लो कोई अगर कहते हैं मतलब मास्क, तो भाई अब आजकल तो मास्क भाई यूज करो यार, सेफ रहो भाई, घर पे रहो, अब मास्क लगाते रहो, सैनिटाइजर वीजर मास्क सबका यूज करो। हाँ और सामने कोरोना है तो एक गोली मार दो पहले ही, दूर रहो भैया हाँ कोरोना से। चलो यार बात करूँगा अब आईफोन की। तो यार आईफोन भाई अगर कहते हैं आईफोन का तो अपडेट आ ही गया है, बट उसमें स्पीसीज क्या है ये चीज़ देखो भाई, मतलब स्टेबल क्या है सिस्टम में। सिस्टम में स्टेबल ये है कि इसे मान लो अगर मास्क भी पहने हो ना तो फेस लॉक अनलॉक हो जाएगा सिस्टम से। मतलब ये अपडेट अच्छी अपडेट आई है कि हाँ अदर फ़ोन के हिसाब से तो अगर आप मास्क लगाओगे भैया नो सपोर्ट, नो सपोर्ट, हम आपको नहीं पहचानते, मेरा मोबाइल खुद ही नहीं मुझको पहचान रहा है ऐसे कहोगे। तो भाई अब आईफोन में थोड़ी सी डेवलप की गई है तो ठीक है। फिर वही बात करूँगा यार फिर अदर अनलॉक डिवाइस की। तो यार अदर अनलॉक डिवाइस क्या है, आपका वॉच से, एप्पल की वॉच से भी आप अनलॉक कर सकते हो, ये चीज़ दिखाया गया है। तो ठीक है अपडेट आई है, खुशखबरी भाई है, अच्छी बात है। फिर भाई बात करूँगा अब अगली खबर फिर से सैमसंग की। सैमसंग की यार विंडो फिट मतलब भाई एक विंडो में अटैच होने वाली यार एसी मतलब एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशन मतलब ऐसी मतलब बनाई गई है, लिखा है विंडो माउंटेड एयर कंडीशनर एंड कंडीशन। तो यार ये लॉन्च हो गई है कोरिया में, ये तो भाई अपने देश से बाहर है, बट पता है तो यार ये तो अब आएगी यार, जब बना रही है तो यार इंडिया में ज़रूर आएगी, क्योंकि सैमसंग में भरोसा है भाई कि सब चीज़ इंडिया में लॉन्च कर सकती है। तो ठीक है फिर वही अगली खबर है यार ओप्पो बैंड से। ओप्पो बैंड वाइटलिटी एडिशन ऐसी यार नाम लिया है। तो ओप्पो बैंड वाइटलिटी एडिशन की यार लॉन्च यार होगी 2 कलर में। तो वही तो यार 6 मई को यार लॉन्च होगी चाइना में। तो दोनों कलर आप फोटो देखिएगा, फोटो तो आप देखा ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अगली खबर है यार Realme X7 Pro से। X7 Pro की यार अपडेट आई है Realme UI 2.0 से। तो अपडेट आई है जो लोग को पता नहीं है, तो भाई अपडेट आ गई है, जाइए अपना अपडेट कीजिए। फिर भाई अगली खबर है भाई अलग खबर है, दरअसल बताया तो यार यार एक मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो यार इस सेकेंड तो यार सेकेंड पीक में कही गई है कि यार मतलब जो मतलब एक कहता नहीं कि हाँ इस साल में मार्च तक का अगर जो स्मार्टफोन बिजनेस सही था, मगर जब से यार अप्रैल आया है तो COVID-19 जो दूसरी पीक आई है, तो उस समय भाई अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई अब मतलब यार जो सेकेंड पीक आई है तो भाई अब जो अप्रैल में सेकेंड पीक है यार, तो उस हिसाब से लग रहा है कि मतलब देखिए IQ 7 तो कल लॉन्च हुई, मतलब जो IQ 7 लॉन्च हुई तो भाई ये कहते हैं बात करेंगे कहते तो यार उतनी तो बिकी नहीं, बट क्या कहूँ। चलो तो बता दिया जा रहा है कि यार अब रिपोर्ट में आया है कि अब जो सेकेंड पीक आई है भाई, अब इस समय यार आ कहते हैं जून तक इंडिया में स्मार्टफोन बिजनेस थोड़ा डाउन होगा। तो ठीक है
चलिए ये भी सही है। फिर भाई अगली खबर है भाई, अब एप्पल से, एप्पल यार एप्पल का M1 चिप आपने हमने तो बताया था, बट अब M2 प्रोसेसर के साथ आ रही है यार। अब मतलब भैया रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि यार एप्पल का M2 प्रोसेसर आ रहा है और मैकबुक प्रो के साथ, मतलब भी अपकमिंग मैकबुक प्रो के साथ आएगी। अभी तो सिर्फ M2 प्रोसेसर के साथ अभी बताया गया है, तो ठीक है। फिर भाई अगली खबर है भाई, अब वन प्लस से, अब यार वन प्लस से बात करूंगा तो यार वन प्लस भाई, वन प्लस और सिक्स टी यार अपडेट आ गई है यार। और फिर वही बात करूंगा फिर वही से, अब वन प्लस की यार, वन प्लस 8T की अब अपडेट आ गई है। तो जो लोग भाई वन प्लस की फ़ोन यूज़ कर रहा है समथिंग भाई, तो उनकी यार कहते अपडेट आ गई है, तो जाइए यार देखिए। फिर भाई अगली खबर यार वावे से, वावे का यार न्यू फ़ोन, न्यू स्मार्टफोन आने वाला है, बट फोटो ली सिर्फ लीक हुई है। तो बताया था यार, तो अभी कुछ बताया नहीं गया है, बट एक फ़ोन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो यार 6.6 समथिंग, मतलब 6.57, 6.5 या 6.3 समथिंग तक डिस्प्ले जाएगी। और अगर वही बात कैमरा वैमरा की बात करूँगा तो कैमरा शायद 48 to 5 समथिंग ऐसे जाएगी यार, अदर फ़ोन की स्पेस के बराबर भी जा सकती है। और बैटरी बात करूँगा तो यार बैटरी आ कहते हैं, मैं सब एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, मतलब ये भी नहीं कि हाँ मैं अपने मर्जी से बता रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है। तो यार बैटरी बताया गया है कि 4000 समथिंग ऐसे, मतलब बता रहा हूँ यार 4000 142 145 ऐसे समथिंग जाएगा यार, अगर सही रहेगा तो अच्छी बात है यार। तो आज की यार इतना ही, कल मिलते हैं यार एक नए न्यूज़ के साथ। तो यार जाते जाते एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, अगर यार चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, और भाई चैनल के पुराने हो तो यार लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और अगर घंटा वाला आइकन नहीं दबाए हो तो घंटा वाला आइकन दबा दो जब दबा के। ठीक, कल मिलते एक नए न्यूज़ के साथ, चलिए। ए टोनी कसला था हम नसरे वाजों की।